देख पा रहे हैं बलिजा धाम से सीधा दृश्य, जहां आज खड़ग महायज्ञ का समापन हो रहा है। बाबा भैरवनाथ महायज्ञ का आयोजन 21 दिनों तक चल रहा था और आज इसका समापन जो है वो होना है। लगातार साधु संतों का यहां पर आगमन हो रहा है। साधु संतों के सानिध्य में ही आज इस खड़ग महायज्ञ का आज दोपहर 2 बजे समापन होगा, 5 बजे महाप्रसादी का आयोजन होगा और रात्रि को महाभजन संध्या का आयोजन जो है वो होना है, जिसकी तैयारी को लेकर देखिए सभी भक्त शिरोमणि लगातार लगे हुए हैं। लगातार सेवक जो है वो की जा रही है। साधु संतों का यहाँ पर आगमन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि संत पधार चुके हैं और खड़क महायज्ञ जो है 21 दिनों तक ये महायज्ञ जो हुआ है। ओम श्रीगम कल्याणाय नमः। बलिचा धाम मेवाड़ पर आज श्री ओम बना के परम उपासक श्री आर पी सिंह जी आक्या साहब, जो पिछले 21 दिनों से अनवरत खड़क भैरव साधना कर रहे हैं, उसी क्रम में आज पूर्णोति के इस अवसर पर सभी संत वृंदों की उपस्थिति में महाराज कुमार साहब विश्वराज सिंह जी भी पधार रहे हैं और इस शुभ घड़ी में सर्व मंगल मांगल्य की कामना को लेकर यह जो अभिष्ट कार्य हो रहा है यह पूर्ण सिद्ध हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, इसी भावना के साथ सभी को सादर जय श्री कल्याण। सभी प्रसन्न रहे, सभी लक्ष्मीवान बने, सभी का मंगल हो, यही कामना। चूंकि कल रंगों का पर्व होली, ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा महापर्व है, तो इसकी भी सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मंगलमय बधाई। आज इस हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों सब की बलि देने वाले तीनों अमर शहीदों को भी हम भूल नहीं सकते हैं और इस पावन अवसर पर हम उन्हें भी अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस वतन के लिए उन्होंने जो अपना सर्वस्व अर्पण किया है वह युग युगांतर तक याद रहेगा, कभी उसको हम विस्मृत नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अमर शहीदों को नमन। अब देखिए धीरे धीरे अभी जी पधार रहे हैं तो समागम आज ये दिखाई देता है। अपना दाम अपना सरकार के जबरदस्त आता है, जो सीए बाबा भैरवनाथ खड़ग का समापन आज होना है। दृश्य आपके सामने है, हिंदू संस्कृति हिंदू परंपरा परंपरा चित्रण आपके सामने है। हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है और हमारा सिर्फ पढ़ा चुके हैं। कलश के साथ माता भी है, स्वागत कर रही है।
बिहार सरकार की जय हो। खड़क महायज्ञ का आयोजन 21 दिवस से चल रहा है और आज आप देख पा रहे हैं दृश्य आपके सामने हैं। इस प्रकार से भक्तों का समागम और संतों का समागम।